दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने पुरानी कंपनी में नौकरी छोड़ दी है और नई कंपनी ज्वाइन की है। पुराने पीएफ का बैलेंस मैंने नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर तो कर लिया है, पर मेरे पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में मेरी पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे का क्या होगा? वो पेंशन का पैसा मैं निकाल पाऊंगा या नहीं? अगर निकाल पाऊंगा तो कब निकाल पाऊंगा? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जब आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको पुरानी कंपनी के पीएफ बैलेंस को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने डायरेक्टली ईपीएफओ को ट्वीट किया था कि जब हम नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और अपने पुराने पीएफ का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा पीएफ बैलेंस तो ट्रांसफर हो जाता है पर पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, क्या वो पैसा बाद में ट्रांसफर होता है और क्या मुझे उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए? इस सवाल के जवाब में ईपीएफओ ने मुझे रिप्लाई किया कि जब हम पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ही ट्रांसफर किया जाता है और आपका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पेंशन रिकॉर्ड के लिए ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर लिया जाता है और जब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपका पेंशन का अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पेंशन एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप टोटल 10 साल तक ईपीएफओ के मेंबर हो और आपका सर्विस पीरियड 10 साल से ज्यादा हो तो आपको 58 साल के बाद यानी कि जब आप रिटायर हो जाएंगे आपको आपके पेंशन का पैसा मंथली पे किया जाएगा, या फिर आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और आपको जॉब छोड़े 2 महीने से ज्यादा हो चुका है यानी आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आप फुल पीएफ और पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको आपकी पेंशन ट्रांसफर और पेंशन विड्रॉवल से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।